लेकिन पढ़ाई नौकरी के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी का दहेज का रेट ज्यादा है। अगर आईआईटी का इंजीनियर नहीं है तो उसको दहेज में आज क्या मिल रहा है? एमबीए वालों को तो कुछ देने को तैयार, सरकारी नौकरी हैरियर तक मिल रही है दहेज में, हैरियर। पढ़ाई नौकरी के लिए? हाँ, नौकरी की जा सकती है, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ाई नौकरी के लिए। आज 80% लोग स्ट्रेस में हैं पढ़ के, क्योंकि वो पढ़ते हैं नौकरी के लिए। क्यों? और वो भी सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी का दहेज का रेट ज्यादा है। इंजीनियर को कितना मिलेगा दहेज? अगर आईआईटी का नहीं है तो कितना क्या दहेज मिलेगा? साइकिल, रेडियो, गाड़ी, और इस कोरोना काल में तो वो भी नहीं मिल रहा है। अगर आईआईटी का इंजीनियर नहीं है तो उसको दहेज में आज क्या मिल रहा है? अब बहुत लोग इंजीनियर हैं, साइकिल, रेडियो, गाड़ी। एमबीए वाले को तो कुछ देने को तैयार नहीं, वापस पैसा मांग रहे लड़की वाले कि भैया शादी का खर्चा तुम ही देखोगे तो कर दे शादी। एमबीए की तो और हालत खराब है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, पेशकार हैं, सिविल जज के, चपरासी हैं, एसएसपी के, स्टोनो हैं। अरे बड़ा हाई रेट है, मारुति स्विफ्ट हैरियर तक मिल रही है दहेज में, हैरियर। इस देश के अपने पैरामीटर हैं।